हे एवरीवन, मैं हूँ काव्या। वेलकम करती हूँ आप सभी का काव्यास गार्डन गैलरी चैनल में। तो ये देखिए मेरा टगर का प्लांट कितना ब्यूटीफुली फ्लावरिंग कर रहा है। इसमें देखिए न्यू ग्रोथ भी हो रही है और यहाँ हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है। सो प्लांट्स बहुत खुश है और उन्हें देखकर मैं भी खुश हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स जो आपके घर में ज़रूर होने चाहिए। मतलब आपको इन प्लांट्स को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इनके क्या यूजेस है, हमें क्यों लगाना चाहिए, मैं आज आपकी इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। तो जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी मतलब लोग जो देखते हैं मेरे वीडियोस, मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप इतने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल कर आप मेरा वीडियो देखते हो और कमेंट करते हो। तो जो भी कमेंट करते हैं उन्हें तो बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हो कि मैं मुझे पॉजिटिविटी आती है कि या मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं वीडियोस बना सकती हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बड़ा थैंक यू मैं कहना चाहूँगी। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं उन्हें भी मैं थैंक यू कहूँगी, क्योंकि इतने दौड़ दाम वाली ज़िंदगी से आप अगर 5, 10 या 15 मिनट आप मेरे लिए निकालते हो, मेरे वीडियोस देखते हो, बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स मेरे लिए। तो मैं बस थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि वो कौन से प्लांट्स हैं जो आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे जो पहला प्लांट आपको लगाना चाहिए वो है तुलसी जी। तो तुलसी जी तो लगभग हमारे इंडिया में सारे ही घरों में पाए जाती है। सो हमारे जो इंडियन कल्चर में हिंदू, मतलब जो हिंदूज होते हैं, वो तुलसी जी को पूजते भी है। तो तुलसी में कुछ 3 वेराइटीज आती है। एक होते हैं राम तुलसी, दूसरे होते हैं कृष्णा तुलसी एंड थर्ड होते हैं वना तुलसी। तो राम और कृष्णा तो आपको देखने मिल जाता है, आपको आसानी से मिल जाते हैं, बट वन तुलसी आपको जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि उनके इतने यूजेस नहीं होते। उन्हें किसी न किसी तुलसी के साथ यूज़ करो तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, उनके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आपके घर में किसी को हेडेक हो गया हो, या किसी को कोल्ड हो गया हो यानी सर्दी हो गया हो, या कोई स्किन डिसीज हो गए हो, या आपको गले में खराश अगर होती है, तो ये तुलसी के जो पत्ते हैं आप या तो खा सकते हो, या तो आप चाय में भी अगर इनके पत्ते डालकर आप चाय पीते हो तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। मैं तुलसी जी के पत्ते को यूज़ करती थी मेरे बच्चों पे। तो जब भी मेरे बच्चों को कोल्ड होता था तो मैं इनके कुछ पत्ते तोड़कर उनका जो जूस निकाल कर, मध होता है, हनी, उसके साथ मैं अपने बच्चों को देती थी वार्म करके। देन उनके जो चेस्ट पे, बैक पे एंड नेक पे, नोज पर लगाती थी तो उनको जल्दी रिलीफ मिलता था। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्लांट है फ्रेंड्स। इनके लीव्स ही नहीं, इनके सीड्स भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। सीड्स में, इनके सीड्स में होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और ऐसे कई न्यूट्रिएंट्स जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आपको ये प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए और ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स एलोवेरा। तो एलोवेरा बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। मतलब आपने एक बार इसे परचेज कर लिया तो सालों आपके गार्डन में ये रह जाता है और आपको इसकी केयर भी नहीं करनी पड़ती है। यानी आपने एक बार परचेज किया और किसी कोने में आपने इसको रख दिया तो ये अपने आप ही ग्रो होता है। इसको कोई फर्टिलाइज़र देने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको कहीं चोट लगी हो, कहीं आपका हाथ जल गया हो, या सनबर्न हुआ हो, या आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो, या आपको कहीं रिंकल्स की प्रॉब्लम हो, या आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल की आपको कोई भी हेयर की प्रॉब्लम हो, तो सारे हेयर प्रॉब्लम में ये यूज़ होता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी है। तो अगर आप इसको लगाते हो अपनी स्किन पे तो ये काफ़ी फ़ायदा देता है आपके स्किन को। मैं इसे यूज़ करती हूँ एज अ हेयर ऑयल। मतलब जब मैं बालों में तेल लगाती हूँ तो इसको थोड़ा कट करके, उसमें थोड़ा गर्म कर मैं इसे अपने हेयर पर अप्लाई करती हूँ, तो हेयर काफ़ी हेल्दी होते हैं एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको हेयर की। तो ये सिर्फ हेयर के लिए नहीं, इंटरनली भी ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे बॉडी के लिए। तो इसका तो जूस भी अभी अवेलेबल होता है पतंजलि में, तो आपको इसका जूस भी मिल जाता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल प्लांट है फ्रेंड्स। तो आपको ये अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये है नेक्स्ट प्लांट जो आपको अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करना चाहिए।
नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स अड़ूसी का प्लांट। तो यहाँ पर गुजरात में इसे अड़ूसी कहते हैं, इसे इंग्लिश में मलाबार नट या वसाका भी कहते हैं। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर आपके घर में किसी को भी कफ हुआ हो यानी खांसी हुई हो तो इसके पत्ते अगर आप खाते हो तो काफ़ी रिलीफ मिलता है, जल्दी रिलीफ मिलता है। तो मेरे यहाँ से काफ़ी लोग जो है ये पत्ते ले जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है फ्रेंड्स कफ में। एंड ये कोई भी आपको गले में अगर आपको खराश हो गई हो या कोई भी प्रॉब्लम हो गले की थ्रोट की तो ये भी उसे क्योर करता है। एंड ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। तो ये मेरा प्लांट तो लगभग शायद 3 इयर्स पुराना है, तो ये जल्दी मरता नहीं है फ्रेंड्स और इसकी केयर भी आपको करनी नहीं पड़ती है। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, इसको मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं देती हूँ। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स मोरिंगा का प्लांट। तो देखिए मेरे घर के सामने एक ट्री है मोरिंगा का, तो ये काफ़ी यूज़फुल है फ्रेंड्स। तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है मोरिंगा लीव्स को आप किस तरह प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हो, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो मोरिंगा में भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनमें लीव्स में प्रोटीन होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन सी होता है, आयरन होता है और काफ़ी सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसका जो पाउडर होता है वो हमारे जो ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ा देता है एंड किसी को शुगर ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो तो उसे भी वो रिड्यूस कर देता है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्लांट है फ्रेंड्स। मैंने भी मुझे भी पहले पता नहीं था इसके जो ये यूजेस है, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप एक बार वो वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने और भी इसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू मैंने बताए हैं उसमें। तो ये हमारे प्लांट्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, मतलब अगर आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसके जो लीव्स का फोलियर स्प्रे कर सकते हो। देखिए हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई है, सो इसके जो लीव्स का आप फोलियर स्प्रे कर सकते हो अपने प्लांट पर। हर 15 डेज में आप अगर आप फोलियर स्प्रे करते हो आपका प्लांट जो है हेल्दी तो रहेगा ही, पेस्ट फ्री भी रहेगा। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर अपने घर में शामिल कीजिएगा और ये भी बहुत ही ईजी टू ग्रो है, जल्दी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स हाइबिस्कस। तो हाइबिस्कस के फ्लावर्स हमारे गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, जब वो खिलते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है हमारा गार्डन। जब ये सूख जाता है तो हमारे ज़्यादातर फ्रेंड्स इसे निकालकर या तो कंपोस्ट में डालते हैं या तो कुछ लोगों इन्हें फेंक देते हैं। तो बट ये जो सूखे हुए फ्लावर्स इनके भी काफ़ी वैल्यू होते हैं फ्रेंड्स। सूखे हुए फ्लावर्स में काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे हेयर के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। हेयर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये हाइबिस्कस उसे ट्रीट कर सकता है। जैसे हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, हेयर लॉस हो रहा हो आपको या हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, तो सारे ही हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये जो हाइबिस्कस के फ्लावर्स एंड लीव्स दोनों ही क्योर करते हैं। इसे बोटेक्स प्लांट भी कहते हैं फ्रेंड्स। बोटेक्स एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, हमारे स्किन को फर्म करता है, लिफ्ट करता है हमारे स्किन को, जिससे हमारा जो चेहरा है वो यंग दिखता है थोड़ा। तो इनके जो ड्राइड लीव्स होते हैं उनका हर्बल टी भी बनता है फ्रेंड्स। तो हर्बल टी जो है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है और हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाता है। सो आपको ये हर्बल ट्री भी ट्राई करनी चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स स्वीट बेसिल। तो स्वीट बेसिल में भी काफ़ी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी है और ये भी एजिंग के साइंस को कम करता है। इसके लीव्स में विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्लांट है और हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर आपको ईयर पेन हो गया हो, मतलब कान में अगर आपको पेन हो रहा हो, तो इसके जो लीव्स में से जूस निकाल कर अगर आप डालते हो अपने कान में तो आपका जो ईयर पेन है वो ठीक हो जाता है। एंड इसके सीड्स भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं हमारे यहाँ। तो जब भी हम नींबू पानी पीते हैं तो इनके सीड्स भी डालकर देते हैं एंड फालूदा में भी इन्हीं के सीड्स यूज़ होते हैं। तो इनके सीड्स में भी कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्लांट है और ये तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं इसके सीड्स मिलते हो, अगर आप डाल देते हो इन्हें सीड्स, तो ये अपने आप ही बढ़ता है और इन्हें भी कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही ग्रो हुआ है ये मेरा प्लांट। तो आपके गार्डन में इसे भी आप शामिल कीजिएगा।
तो ये थे फ्रेंड्स कुछ मेरे लिस्ट ऑफ प्लांट्स जो आपके गार्डन में आपको ज़रूर रखना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे मेरा हौसला बढ़े। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी बी स्ट्रॉन्ग, बाय फ्रेंड्स।